اب بات ضد کی آ گئی ہے، میں فیضا کو دن دہاڑے اس کے گھر سے اٹھا لوں گا۔ وہ دیکھتا کیا ہے، کھا جائے گا مجھے، کھا جائے گا۔ اکھی نیل کر، نیل کر اکھی۔ ना सुजावल ना, ऐसी हरकत नहीं करनी। ये काम तो सुल्तान खुद करेगा, खुद ऐसा उठा कर लाएगा इस देरी पर। ये तू खुद करेगा, खुद। अरे भला ये कहां से रुक क्यों गया है? मार چل مویا میں کوئی ڈرانی ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتی ہو اور نہ مجھے چماٹے بھی مارتی ہو پھر میں ڈر جاتا ہوں اب تجھے میں کیا کہوں بولا حال دراصل یہ ہے کہ سوچتی ہوں
मुझे कह ही दो, कह दो, कह दो। बोला सजावल में बहु चंगा लगता है, तू उसको जाके कह वसाई तुझे बहुत प्यार करती है, मेरा पैगाम दे देना, यो काम तो कर। मेरे को सब पता है, मैं भोला हूँ पर एडा भोला भी नहीं हूँ। हाँ अब ये मुझसे फूटी सीधी गाली नहीं करेगा। Thank you.
अब नेस्ले लाया। जी खान सादी साहिबा, लगता है खान साई का ऊँट हर गया है। जी खान सादी साहिबा, खान साई का ऊँट साजू की ओर से हर गया है। अच्छा, पर मैं खान साई के जख्म पे मरहम रख दे। इस हवेली में रहना है तो अपना दिल भी खानजादियों जैसा करो। सॉरी, मैं पथरेती हूँ ऐसी, और ये इन सही नियत के खिलाफ है। फिर खड़े होकर मेरा मुंह मेरा चलो जाओ अंदर, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कौन कर खाई पे जादू? तू कराती चीज आगे तू के इसे घट नहीं है चलाते आसी त्रुट मोइट। जी खान सिंह। वाह खानजादी वाह, तूने ऐसी गाल की है जिससे अकबर खान के सीने में ठंड पड़ गई है। साजू को जाल में फंसाने के लिए किसी पक्के बंदे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। शर्फा, सुल्तान की घरवाली शर्फा। मैं समझी नहीं खान सिंह। खानजादी, शर्फा को लेकर किसी बहाने गांव से बाहर चली जाना। मैं सुल्तान को इत्तला करा दूंगा कि खानजादी और शर्फा को किसी दुश्मन ने अगवा कराया। हाँ, याद आया, वो जड़े दो चोर मारे गए थे जिनका पता भी नहीं लगा। इसका इल्जाम भी सीधा सीधा साजू के गले में। पक्का हो गया खानजादी, जाल पक्का हो गया। वो कैसे खान सही? सुल्तान तुम्हारी और शर्फा के खातिर अपनी जान की बाजी खेल सकता है। पर ध्यान से खान सही, सुल्तान साजू का जिगरी यार है, कितनी बाजी उलट ना हो जाए। तेरी दुआ होए खानजादी, तेरी दुआ। अकबर खान ऐसी बाजी खेलता ही नहीं है जो कि उलट हो जाए। अब तुम देखती जाओ अकबर खान करता क्या है। वाह शर्फा वाह, तेरे सदके जाऊं, तेरा तवीज कम दिखा रहा है। ए राजू, पता मारे को रिश्ते ना सही। एक गांव का तलक तो है ना, इसे तो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती राजू।
ससी क्या तू सच कह रही है? हाँ, असल डूबे बिछड़े हुए रिश्तों को मिला सकते हैं। मेरे को यकीन नहीं आ रहा। क्या वाकई तू ये कह रही है? घर के बैर हूँ, तेरे पास खड़ी हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुद को बदल लिया राजू, तुम शाम को बड़े टीले पे मेरा इंतजार करना। ससी, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ख्वाब तो मैं देख रही थी राजू, हूँ सच्चाई को खुली आंखों से देखना चाहती हूँ। तुमसे बहुत बातें करनी है राजू, भूल ना जाना, याद रखना। लगता है ससी को मेरे प्यार का यकीन हो गया। आज हमारे लिए खुशियों का दिन चढ़ाया शाकिर। अच्छा अच्छा, हमने दान मार लिया। अच्छा। चल चल जाओ बाहर। है राजू, क्या मैं नहीं हो सकता कि दोनों खानदान फिर से मिल जाए? जब से तू आई है ना, ये ही रट लगाए जा रही है कि दोनों खानदान मिल नहीं सकते, मिल नहीं सकते। और क्या कहूँ तुझसे? कोई अपने दिल की बात, कोई मेरे दिल की बात। अबे कमला, मैं अपने दिल की बात तो कर रही हूँ, और क्या कहूँ तुझसे? मैं तो समझा था शायद तू कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगी। मैं दो घरों की प्यार मोहब्बत की बात तो कर रही हूँ। मैं अपनी और तेरी बात कर रहा हूँ ससी। मैं कुछ समझी नहीं। यही कि जितना प्यार मैं तेरे को करता हूँ, उतना ही प्यार तू भी मेरे को करती है। मैं तुझे टक टक कर दूंगा। ना ना सजावल फिराना, इसमें राजू का कोई कसूर नहीं, इसको मैंने बुलाया था। राजू के बाद तूने सस्सी से मिलने या बात करने की भी कोशिश की, देखो चोर से मार दूंगा। चल ना राजू, अकेले आना। चल आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान को कहना अभी और इसी वक्त अपने साथ लेकर आना। चलो समझो। सही हुकुम सही। वन माके को कहना इसको बोलने से लुक लुका के मेरे पास आ जाए, और हाँ सजावल और सुल्तान के सामने माके का जिक्र नहीं करना। मैं समझ गया सर, चंगी तरह समझ गया सर। जाओ भैया। हाजिर सिंह। साजू, अब तेरे मौत के ढोल बजेंगे ढोल। के साथ एक बैरबू अभी लगा हुआ जिसके साथ कुंडी है, और कुंडी खड़काई जाती है या आवाज दी जाती है। चंगा चंगा, गलती हो गई। सुन, अकबर खान ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, समझ में अभी आता हूँ। जा
साईं अकबर खान का हुक्म है कि मैं टेकू अपने साथ लेकर जाऊं। गड़बड़ तो नहीं हो गई है? ये तो मैं को नहीं पता, पर इतना जरूर है कि साईं अपना सारा गुस्सा उस ऊंट पर निकाल रहे हैं जो उस दिन मेले में हार गया। सलाम खान से जावल तू भाई मेरे को सुल्तान से जरूरी गाल करनी। सुल्तान तेरे खान पे दुखी खड़ी आ गई है। किसकी मजालस है जो मेरे खान पे दुखी खड़ी कहना है? आप हुक्म करें, आप पर तो जान कुर्बान है खान सही। सुल्तान ये ऐसा दुख है कि मैं किसी और को नहीं सुना सकता। वली खानजादी और तेरी घर वाली शर्फा गांव से बाहर गए थे उनको। क्या हुआ उनको खान सही, क्या हुआ है? उनको शब्बू ने अगवा कर लिया। शब्बू? शब्बू जिंदा है? हां सही, शब्बू को कत्ल हुए तो 2 साल हो गए हैं, वो कहां से आ गया? ये सब झूठ है। शब्बू ने ये हरकत करके मेरे खानदानी दबदबे मेरी इज्जत पे हाथ डाला। मैं उसके हाथ काट दूंगा खान सही, जिसने मेरी खानदादी को अगवा किया है। मैं उसको टिमर उठा के ले आऊंगा। ना सुल्तान, से नहीं, ये वक्त है होश से कदम उठाने का। शब्बू को साजू चाहिए, जिंदा या मुर्दा। साजू? पर खान सही, साजू ने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान पहुंचाया है, बाजोरों को उसी ने कत्ल किया है। इसीलिए शब्बू ने खानजादी और शरीफा को अगवा किया है कि साजू उसके हवाले कर, वरना उन दोनों की लाश। ना खान सिंह, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस बदबख्त ने शेर के मुंह में हाथ डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खान सिंह, अगर ये बात गांव में फैल गई तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे? वो तो हमारे साये में भी अपना तहफ्फुज तलाश करते हैं। पर खान सिंह, उन दोनों चोरों को तो मैंने कत्ल किया है सही। सुल्तान, तूने कत्ल किया है या साजू ने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब तो सीधा सीधा ये है कि वली खानजादी और तेरी घर वाली शर्फा इज्जत से अपने घर को आ जाए, बस। देख सुल्तान, ठंडे दिल से सोच, तेरे यार साजू को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये मैं तुमसे वादा करता हूं, उसको खराश तक नहीं आएगी। सुल्तान, बस एक कम तय को करना है। देखो, मैं खान से? हाँ तो सुल्तान, तू इस साजू के हाथ बांध कर शब्बू के हवाले करेगा। उसी वक्त मेरे बंदे पहुंच जाएंगे, शब्बू और उसके साथियों को पकड़ लेंगे। इस तरह तेरा यार साजू भी बच जाएगा और हमारी इज्जत हमारे घर पहुंच जाएगी। सही, सही, खान सही, जो तेरा एहसान हो सी।
लोगों को साधु चाहिए, जिंदा या मरना। बस एक अंत को काला है मेरे कौन से मैं क्यों हंस रहा है साजू? एक एक नदी पे मैं अपना घर बना रही हूँ, पर घर बन दे ही नहीं। ए कमली, हीरे दे घर नहीं बन दे, तेरा घर मेरे दिल चे। हाँ क्या देख रहा है साजू? देख रहा हूं तेरी आंखें बहुत सारा प्यार है। ए देखो की मैं पता चल गया यही हो तेरी खूबी है, प्यार गुस्सा नाराजगी सब तेरी आंखी च आ जाता है। बस बेगोई खूबी नहीं है, एक और भी है। लख तेरा मेरा झगड़ा हो, बोल चाल बंद हो, तू रुठ के पेके नहीं जाती, मेरे घर में फिरती रहती है मुंह बना के। आखिर मैं बना लेता हूं। पता है साजू, मैं को चाचा खुदा बख्श ने डोली में बिठाते हुए एक बात समझाई थी कि पुत्र सुखा कभी भी घराले से लड़के पेके ना आना, उसी घर में रहना। बस जिस घर में डोली गई है ना, उस घर से जनाजा ही निकले। वाकई सियाने हक सच की बात करते हैं, लड़कियों के घर इसी तरह बसते हैं, और तू भी इस पे हमेशा अमल करना। साजू बहुत देर थी गई है, अब चल चनड़ पीर भी तो जाना है ना। हाजिर सोना हाजिर, चलो अब
सस्सी तू था क्यों आया? जिस जावर बिरा ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार डालेगा। जा, जा चला जा, रब का वास्ता चला जा। आज नहीं जाऊंगा ससी, आज ये सोच कर आया हूँ कि सजावल को दो टोक जवाब दूंगा। और चाचा तू फिक्र ना कर, अगर कहे तो माँ में सजावल का रास्ता रोक लूँ। शाकिर तू बाल है, तू कुछ ना बोल। एक तरफ तेरा चाचा है तो दूसरी तरफ तेरा मामा है। क्यों ना बोलूँ मासी, मेरा चाचा मेरा यार है और यार की तह जान हाजिर है। हाँ राजू, इस जावल बिरा को किसी ने आग दिया कि तुम्हें को मिलने मेरे घर आया तो कौन सी क्यामत आ जाएगी सस्सी, जान से मार देगा, मार दे। पर आज मैं तेरे नाल बात किए बगैर जाऊंगा नहीं। बोले सस्सी, तेरे को मेरे नाल प्यार है या नहीं? राजू, जब तुम मेरे को प्यार करता तो बता कि प्यार करने वाले किसी को बदनाम करके खुश होते हैं। राजा ना, ये प्यार नहीं जबरदस्ती है, तू जब भी जिले में जो तुम मेरे प्यार को आजमाना है ना तो किसी नंगे पैर में इंतजार कर। नंगे पैर तो ते सहरा में तो क्या, आग के देखते हुए अंगारों पर भी थोड़ा इंतजार करता रहूंगा ससी। भावे मेरी खल सड़ जाए, हड्डियां सड़ के सुहा हो जाए, और आखिरी सांस तक मेरी आंखें तेरा इंतजार करेंगी। और आज रात मेले के बाद सुबह ये मंजर सारा गांव देखेगा, सारा गांव। राजू ते को क्यों समझाऊं? मेरा पुनर नहीं है। अकबर खान साहिब कहाँ है? तो आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, बल्कि को पता है। ये पता ही कौन? ओ भोले, मेहमान हैं अपने, इनको तो तंग ना कर। सही आप बेफिक्र होके बैठे, खान साहिब आते हैं ना, हम आपकी अभी मुलाकात करा देते हैं। तो तुम्हारा नाम भोला है? जी हाँ सही, नाम भोला है, पर एडा भोला भी नहीं हूँ। खान सही, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैंने हमेशा आपके हुक्म के मुताबिक काम किया है। कभी कोई गलती नहीं थी, कभी कोई निशाना खता नहीं था, और मैंने बड़े से बड़े पहाड़ को चूर चूर कर दिया है। जिसने भी आपके साथ मत्था लगाया उसे सभी इनकी सतवी तह से भी निकाल कर ले आऊंगा। आप हुक्म तो करे साई, माखा मुश्किल दाग तो आपके दर का कुत्ता है साई। माखा, मैं को तेरे ऊपर भरोसा है, इसीलिए ये मुश्किल काम मैंने तुम्हारे हवाले किया। हुक्म सुना साई, हुक्म। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो कि मैं आपके किसी काम आ जाऊं। शाबाश माखा, शाबाश।